दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हर श्रृंगार एक पेड़ होगा जिसको परिजात भी कहते हैं। इस पेड़ को पहचानना बहुत आसान है। इस पे सफेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं और फूल में खुशबू बहुत होती है और फूल की बेलनी हमेशा नारंगी रंग की, लाल रंग की रहती है, केसरिया रंग की। और फूल सवेरे सवेरे एकदम जमीन पे पड़े हुए मिलेंगे, रात को फूल खिलेंगे और सवेरे जमीन पे गिर जाएंगे। ये पेड़ है हारसिंह। इसके पांच पत्ते ले, पांच, और पांचों पत्ते पीस के बनाना चटनी। और जितनी चटनी बनी, करीब आधा चम्मच करीब चटनी बनेगी पांच पत्ते की, उसको एक गिलास पानी में डाल के और खूब गर्म करना। इतना गर्म कर देना कि पानी आधा हो जाए और फिर इसको ठंडा कर लेना और ठंडा करके पी लेना। एक बुखार का नाम आपने सुना है चिकनगुनिया, एक और बुखार है डेंगू, जिसमें ब्रेन मलेरिया जिसको कहते हैं। ये जल्दी ठीक नहीं होते बुखार, मार डालते हैं आदमी, लेकिन ये सब बुखार इससे ठीक हो जाते हैं, हार सिंगार के पत्ते के काढ़े से। बहुत बढ़िया पेड़ है, इसको घर में जरूर लगा दें, बुखार भी ठीक करेगा, गठिया के रोग भी ठीक करेगा। और सब बुखार में इसको तीन दिन से ज्यादा नहीं देना, बस तीन दिन में ठीक कर देगा बुखार। गठिया के रोग में तो तीन महीने तक ले सकते हैं, बुखार में तीन दिन से ज्यादा नहीं। आगे चल और कुछ दवाएं और बता देता हूं। एक और अच्छी दवा है बुखार की, उसका नाम है तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता 10 से 15 तोड़ लो, पत्थर में पीसो, तीन चार काली मिर्च है उसको भी पत्थर में पीसो और ये तुलसी और काली मिर्च मिलाकर पक्की कर। और एक दवा है बुखार के लिए, नीम के पेड़ पर एक बेल चलती है, उसको गिलोय कहते हैं। कोई लोग अमृता कहते हैं, कोई लोग गुरुची कहते हैं, कोई लोग गुरुच कहते हैं। वो बेल का छोटा सा टुकड़ा काटो, पत्थर में पीस के पानी में उबालो, उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको पीना। ये हर बुखार को ठीक करता है। और कई बार जब बुखार ज्यादा हो जाए ना, तो फिर शरीर में खून के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कम हो जाते हैं और कई बार प्लेटलेट्स कम हो जाता है बुखार आ रहा है। तो ये जो नीम की गिलोय है, ये दोनों को ठीक कर देती है, WBC बढ़ा देती है और ये भी ठीक कर देती है। ये अगर घर में लगा दिया आपने तो एक भी मच्छर घर में नहीं घुसता। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।